Ramadan Mubarak Canada, only on NJ Digital TV, presented by Khalis Pakwan Basmati Rice. Salam dosto, namaste, sat sri akal, hello, good evening. Mera naam Sid hai and we are running a special transmission for Ramadan month, and we wish everybody a happy Ramadan and good health and happiness. May this month and beyond bring you a lot of success, lot of joy. Having said that, we have a very special person in studio with us, and that's my friend Mohsin Sheikh. We are from India, and he has grown up, he's actually from Gujarat. So we'll talk about Mohsin, talk to Mohsin about his life in India, and we are not going to talk about real estate today. Real estate, we'll keep it for another day, but we'll talk in general about our life and how he grew up, and we'll get to know more about Mohsin. Mohsin, welcome to our studios. Thank you, Sid. Especially ये बहुत ही special month चालू होने जा रहा है रमदान, और रमदान का बहुत ही बड़ा importance होता है कि इस्लाम और जो भी मुस्लिम्स हैं उनकी life के life में रमदान का एक special एक attention रहता है, उसमें एक उसका एक special बहुत ही special importance रहता है, और NJ Digital TV ने ये specially ये transmission चालू किया है, उसके पीछे बहुत सारा उसका बहुत ही positive उसका motto है. जैसे बहुत सारे लोगों को हम लोग जो पास ऑन करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के रमज़ान के मंथ में किस तरह से हम लोग बैक होम में काम करते थे, किस तरह से हम लोग वेस्टर्न कल्चर के अंदर भी हम लोग रमज़ान को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और सबको इन्वॉल्व करते हैं, तो बेसिकली एनजे डिजिटल टीवी ने पूरा प्रोसेस चालू किया, पूरा ट्रांसमिशन चालू किया. बहुत बढ़िया. और मुझे याद है जब हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन इंडिया स्पेशली, तो वहाँ पे जैसे हमारे काफ़ी दोस्त थे जो मुस्लिम थे, राइट, एंड वी यूज़ टू बी रियली एक्साइटेड एट ईद टाइम, वी यूज़ टू शेयर अ लॉट ऑफ गुडीज, वी यूज़ टू गो शॉपिंग. तो आपका भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा गुजरात में, डेफिनेटली. तो आप थोड़ा बताएं व्यूअर्स को, टेक अस इनटू योर लाइफ, कैसे मतलब आप वो जज्बात और वो सब फिर से वो करें. देखिए, रमजान है ना, रमजान उसमें तीन पोर्शन होते हैं, तीन असरे होते हैं रमजान के, और ये स्पेशली जो महीना होता है उसको आप इबादत की तरफ से देखो तो ये बहुत ही स्पेशल मंथ है. फर्स्ट 10 डेज होते हैं, फिर मिडल ऑफ द 10 डेज होते हैं, और लास्ट में आखिरी 10 दिन होते हैं. ये तीनों तीन जो पोर्शन है उसका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है इस्लामिक लाइफ में, और इसका एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है मुस्लिम की लाइफ में. बैक होम के अंदर हम जब रमजान को सेलिब्रेट करते थे, हम लोग पूरी फैमिली के साथ रहते थे, उसमें सहरी का एक पोर्शन है, एक इफ्तार का पोर्शन है, उसके बाद पूरा दिन हम लोग फास्टिंग करते थे. सहरी के अंदर हम लोग स्पेशली अगले दिन से ही प्रिपरेशन कर लेते थे, कल मॉर्निंग सहरी है तो क्या क्या हम लोग प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या खाएंगे. हम लोग साथ में ये भी ध्यान रखते थे कि हेल्दी फूड हम लोग एंजॉय करें, हम ये ना फोकस हमारा डिफरेंट ना हो जाए कि मॉर्निंग में सहरी करने के बाद हमें गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो या एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगे. तो हम वो भी हेल्थ इश्यूज भी ध्यान में रखते थे, लेकिन साथ में पूरी फैमिली हम लोग साथ में बैठ के सहरी करते थे. उसके बाद हम लोग कुछ देर आराम करते थे, फिर पूरा दिन हम लोग हमारा पूरा दिन अरेंज करते थे कि उसमें हमारी नमाज है, नमाज टाइम पे होनी चाहिए, उसके बाद कुरान की तिलावत है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रमजान के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जब रमज़ान नहीं होता है तब भी करते, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस जो रमज़ान के बाद जब स्टार्ट होने के बाद ये सारी करते हैं उसका इम्पोर्टेंस बहुत सारा बहुत दफ़ा बढ़ जाता है लाइफ इस्लामिक लाइफ में. तो इसीलिए रमज़ान के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं कि ये सारी चीज़ों पर हम लोग जमे रहें, इबादत है. उसके बाद इफ्तारी, इफ्तारी का भी एक बहुत ही एक अपना ही एंगल है. स्पेशली बैक होम की बात करें तो सारे फैमिली मेंबर, बड़े बच्चे छोटे जो भी हैं, जिन्होंने रोज़ा रखा है, जो नहीं रख सकते, वो सारे हम लोग साथ में गैदर करते थे. लेकिन इफ्तारी से पहले भी 1-2 घंटे की प्रिपरेशन चलती थी. हम लोग ये भी ध्यान में रखते थे कि प्रिपरेशन के अंदर हम लोग इबादत से दूर ना चले जाएं, तो हम लोग इबादत भी साथ में कवर करते थे. लेकिन इफ्तारी के लिए जो भी स्पेशली हम लोग इफ्तार जब करते हैं तो हम लोग फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि पूरे दिन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, जब आप उनको फ्रूट देते हो इफ्तारी के टाइम पे, देन आपकी बॉडी पूरे दिन के जो फास्टिंग है उससे एडजस्ट होती है, उसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं उस इलेक्ट्रोलाइट्स को आप इजीली फ्रूट के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हो. उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर वापस हमारी इबादत होती है रात की, तो एक पूरा एक डिफरेंट एंगल होता है और उसका एक डिफरेंट मज़ा होता है. थैंक यू मोहसिन, बहुत दिलचस्प अपना वो चल रहा है इधर इंटरेक्शन. लेकिन वी विल हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी बैक इन अ लिटिल बिट. रमजान मुबारक कनाडा, ओनली ऑन एनजे डिजिटल टीवी, प्रेजेंटेड बाय खालिस पकवान बासमती राइस.
अब की बार रमजान में बरकतों के साथ साथ समेटे मोहब्बतों भरे तहाइफ खालिस पकवान के साथ। जी हाँ, खालिस पकवान बासमती राइस या खालिस पकवान एक्सट्रीम राइस के एक बैग के साथ हासिल करें फ्री LED तस्बीह और इफ्तार के लिए खजूरों की सौगात। खालिस पकवान के साथ दुनिया का माना हुआ पाकिस्तानी बासमती राइस अब GTA भर में आपके करीबी ग्रोसरी स्टोर्स पर। खालिस पकवान बासमती राइस पुलाव या दाल चावल के लिए और खालिस एक्सट्रीम बिरयानी के लिए बेहतरीन इंतखाब। चॉकलेट चिप कुकी अली, सिर्फ कुकी दूंगा, चॉकलेट चिप नहीं दूंगा। इसमें तो बहुत सारे चॉकलेट चिप है। एक सेकंड देता हूँ, अभी भी बहुत है। अब अली बेचारा क्या करे, जब नए बिस्कॉली चॉकलेट चिप कुकी में है बहुत ज्यादा चॉकलेट चिप्स, ऊपर भी चॉकलेट अंदर भी चॉकलेट। आपकी कुकी बिस्कॉली चॉकलेट चिप कुकीज बहुत 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 चॉकलेटी, हर खुशी बिस्कॉली। Ramadan Mubarak Canada, only on NJ Digital TV, presented by Khalis Pakwan Basmati Rice. Hello friends, welcome back. Swagat hai aap logon ka special transmission mein Ramadan ke liye. Aur hamare saath Mohsin jude hain aaj aur unke saath hum kafi dilchasp baatein kar rahe hain. We are going back to our roots. We are talking about our life in India and how he enjoyed or how he enlightened himself in this month, holy month. तो ये जो है ये महीने में एक इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट का भी महीना है जिसमें आप लोग काफ़ी ध्यान देते हैं डूइंग द राइट थिंग एंड ऑल दैट। एंड आई नो यू पर्सनली, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट गाय एंड यू नो यू एक्चुअली कैरी ऑन दोज वैल्यूज थ्रू आउट योर लाइफ एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैम इन योर लाइफ डायरेक्टली। ये करने से बहुत अच्छा है। लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो प्रोबेबली दैट मोहसिन इज़ अ क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर फ्रॉम बैक होम। तो इसका एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जैसे ये जो फास्टिंग है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है बॉडी पे, तो ये आप एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं कि कैसे ये होता है एंड ये क्या बेनिफिट्स हैं इसमें। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है वो रिएक्ट करती है चीज़ों से, रिएक्ट करती है फूड से, रिएक्ट करती है एनवायरमेंट से। ये सारी चीज़ें रमज़ान जब चल रहा है, जब फास्टिंग चलता है, तो ये सारी चीज़ों का रिएक्शन बॉडी पे आता है डेफिनेटली, बट इट इज़ अ पॉजिटिव रिएक्शन। क्या होता है कि जब आपकी बॉडी को फूड नहीं मिलता, व्हाट बॉडी इज़ गोइंग टू डू इज़ आपकी जो बॉडी का इंटॉक्सिकेशन प्रोसेस है वो चालू हो जाता है एंड इट ट्रिगर्स दी यू नो इंटॉक्सिकेशन प्रोसेस। जो भी आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, जब आपको पूरी बॉडी को पूरे दिन आपका डेफिनेटली तो ये डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस से बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे। अब एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हम डेफिनेटली ये रिकमेंड करते हैं कि जो मुस्लिम्स है, जो नॉन मुस्लिम्स पे, जब भी उनको चांस मिले दे शुड डेफिनेटली फास्ट। फास्टिंग से बहुत सारे पॉजिटिव हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल है जो फास्टिंग का पड़ता है वो किडनी पे पड़ता है और वो डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। किडनी के बाद उसका जो दूसरा सबसे अच्छा जो रिएक्शन पड़ता है वो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो बॉडी के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स से बैलेंस होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस या बैलेंस होता है डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑर्गन्स पे पड़ते हैं। यहाँ पे इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, उसका रीज़न ये है कि आप बॉडी के अंदर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे लेकिन बॉडी को खाली कर रहे हैं कुछ टाइम तक। उसके बाद आप जो शाम को अगर जब इफ्तारी हो जाती है आप फ्रूट से उसको वापस उसको इलेक्ट्रोलाइट जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे पूरा फिलअप करते हो। तो ये एक प्रोसेस चलता है जिसमें बॉडी का डेफिनेटली एक पॉजिटिव उभर के सामने आता है पहलू। अच्छा, बहुत अच्छे से समझा इन्होंने। बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हिमसेल्फ उन्होंने बताया कि इसका एक बहुत बहुत पॉजिटिव। तो आप एक अगर मील प्लानिंग करें इस टाइम पे, राइट, तो आप किस टाइप का मील प्लान बोलेंगे या अपने पेशेंट को रेकमेंड करेंगे या अपने दोस्तों को रेकमेंड करेंगे कि इसमें जिससे कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना हो और बॉडी को एक पॉजिटिविटी मिले और डिटॉक्सिफिकेशन भी हो बॉडी का। देखिए, डेफिनेटली हम रेकमेंड करते हैं कि जब भी आपका सहरी हो, सहरी के अंदर आप वो सारी चीज़ें ना लें जिससे आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि एक बार जब बॉडी जब आफ्टरनून में आपको बॉडी को फूड नहीं मिलता, जब फास्टिंग में बॉडी होती है उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी में अगर कुछ चीज़ें ऐसी है मॉर्निंग में आपने सहरी में ली है जिसके कारण गैस्ट्राइटिस हो सकता है, तो ये आपकी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब सहरी करें, सहरी के अंदर आप बहुत ही लाइट चीज़ें लें।
आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रूट यूज़ कर सकते हैं. यू नो, अगर किसी को चाय का प्रॉब्लम है, अगर चाय का एडिक्शन है, चाय ले सकते हो आप डेफिनेटली. लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी नहीं लें जिसके अंदर स्पाइसी, जिसको बोल सकते हैं स्पाइसी सब्जी और वो सारी चीज़ें, उसको आप यूज़ मत करें सहरी में. उसको आप रखें इफ्तारी में. जब आपका इफ्तारी हो जाता है, इफ्तारी भी जब आप करें तो उसमें भी आप एक कैलकुलेशन लेके चलें. इफ्तारी में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना लें जिससे आपका बॉडी का शुगर, ब्लड शुगर लेवल एकदम राइज अप हो जाए, जिसके कारण बॉडी को जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. तो आप इफ्तारी में भी जो फ्रूट्स है, कॉमन फ्रूट्स है, वाटरमेलन डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए. उससे काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करने में हेल्प होता है. डेट्स हम लोग डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं. डेट से आप इफ्तारी आपका फास्ट ब्रेक कर सकते हो. उसके बाद जो भी स्वीट स्वीट चीज़ें इन द सेंस आप बनाना है, आप एप्पल ले, फ्रूट बेस्ड, नॉट आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, जो थोड़ा स्वीट है, उसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. इफ्तारी जैसे ही कंप्लीट होती है, आप बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे दो. उस टाइम हमारा मगरिब का नमाज होता है, मगरिब का हम पूरा इबादत कंप्लीट करते हैं. उसके बाद आप हाफ एन आवर आप रेस्ट ले लीजिए. देन उसके बाद आपकी बॉडी जब सेटल होती है, एक इफ्तारी का फास्ट होने के बाद एक आध घंटे में जब बॉडी सेटल होती है, देन आप जाके थोड़ा आप अगर जो एक्चुअल फूड लेना चाहो वो ले सकते हो. लेकिन वहाँ पे भी आप कंट्रोल करें, वहाँ पे भी आप ट्राई करें कि आप स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा ना लो. बहुत खूब. और इन्होंने बीइंग अ डॉक्टर, इन्होंने इतने अच्छे से समझाया है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ और क्या क्या प्रोसेस होती हैं बॉडी में एंड हाउ टू मैनेज योर बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम. थैंक यू मोहसिन फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. और ऑल्सो लाइक हमारे लिए बीइंग अ नॉन मुस्लिम, राइट, हम लोग ईद जैसे इंक्लूसिव त्यौहार मनाते हैं ईद में, होली में भी बहुत मस्ती करते हैं, राइट. उसमें और काफ़ी जैसे आपने जैसे बोला कि फास्टिंग का, वो हिंदू भी करते हैं, दे ऑल्सो हैव व्रत एंड ऑल दैट. आई एम प्रीटी श्योर सेम इफेक्ट होता होगा. एंड दे ऑल्सो दे डोंट ईट अर्ली मॉर्निंग बट दे फास्ट एंड ईट एट नाइट. तो इसका तो पॉजिटिव इफेक्ट है ही है. इसके अलावा जब हम लोग बोलते हैं ईद तो हमारे दिमाग में आता है खाना, बिरयानी, ये वो, कबाब एंड ऑल दैट, राइट. तो ईद, हाउ वाज ईद फॉर यू बैक होम? डेफिनेटली अगर ईद की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है ईद, वो बच्चों में होता है. लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर क्रेज़ की बात करें तो हम बड़े लोगों में उससे भी ज़्यादा क्रेज़ होता है. बच्चे लोगों को होता है कि यार ईद होती है, वो एक्सपेक्ट करते हैं ईदी, वो सब बड़े लोगों के साथ मिलते हैं. हम जब ईद एंजॉय करते तो जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब साथ में मिल के गेट टुगेदर करते हैं और पूरा एक ही फैमिली के साथ हम लोग पूरा ईद सेलिब्रेट करते हैं. बच्चे स्पेशली ईदी का एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनको हम लोग मार्केट में ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं. ईद में बहुत सारी चीज़ें घर पे बनती हैं, पूरे रमज़ान में भी बनती है, लेकिन ईद एक स्पेशल दिन होता है. और रमज़ान ईद एक पूरी एक स्पेशल ईद है पूरी लाइफ में. जो एक मुसलमान होता है उसकी लाइफ में रमज़ान का इंपॉर्टेंस बहुत रहता है. पूरे मंथ का इंपॉर्टेंस है, उसके बाद पूरे मंथ का जब आपने पूरा मेहनत किया है, आपने इबादत की है, उसके बाद उसको सेलिब्रेट करने का एक दिन होता है, वो है रमज़ान ईद. और वो पूरी फैमिली एक साथ आके दोस्तों के साथ बहुत मजाक मस्ती और ऑब्वियसली इबादत तो अपनी जगह है ही है, राइट, उसके साथ खाना, और इट्स मोर लाइक अ पिकनिक. एब्सोल्युटली. We are very happy to announce Sal is in the studio with us too. Sal can join us in a couple of minutes and we'll talk more with Sal. We'll take a short break and we'll be back. Thank you. Ramzan Mubarak Canada, only on NJ Digital TV, presented by Khalis Pakwan Basmati Rice. GTA ईद फेस्टिवल, जी हाँ, अब ब्रैम्पटन में ईद की खुशियों के रंग अपनों के संग. GTA फेस्टिवल, जहाँ मेहंदी, क्लोथिंग, शूज, बैंगल्स और फूड के 50 से ज्यादा स्टॉल्स आपकी मेजबानी के मुंतजिर होंगे. बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए फेस पेंटिंग, मैजिक शो और बहुत कुछ. तो आना ना भूलिएगा 2 और 3 जून को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक, गैलेक्सी ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर, डिक्सी एंड स्टील्स मेजर इंटरसेक्शन. स्पॉन्सरशिप और बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 647-760-4937, 647-984-6786.
अब की बार रमजान में बरकतों के साथ साथ समेटे मोहब्बतों भरे तहाइफ खालिस पकवान के साथ। जी हाँ, खालिस पकवान बासमती राइस या खालिस पकवान एक्सट्रीम राइस के एक बैग के साथ हासिल करें फ्री LED तस्बीह और इफ्तार के लिए खजूरों की सौगात। खालिस पकवान के साथ दुनिया का माना हुआ पाकिस्तानी बासमती राइस अब GTA भर में आपके करीबी ग्रोसरी स्टोर्स पर। खालिस पकवान बासमती राइस पुलाव या दाल चावल के लिए और खालिस एक्सट्रीम बिरयानी के लिए बेहतरीन इंतखाब। मैं हूं जहांगीर खान, स्क्वाश कोर्ट का चैंपियन, लेकिन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का चैंपियन मोहम्मद कामरान हुसैन, मुझे उन पर यकीन है, आप भी करके देखिए। जहांगीर खान और हजारों क्लाइंट्स का चहेता मोहम्मद कामरान हुसैन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए ही सही मशवरा, सही फैसला। मकान जिसे आप अपना घर कहने में फख्र महसूस करेंगे। मोहम्मद कामरान हुसैन, 416-318-5264। रमजान मुबारक कनाडा, ओनली ऑन NJ डिजिटल TV, प्रेजेंटेड बाय खालिस पकवान बासमती राइस। वेलकम बैक फ्रेंड्स, इन अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर द रमजान मंथ, आवर स्पेशल फ्रेंड सैल इज हियर विद अस। He is our co-host from the show Learn Now with Sahil Ahmed. Welcome. Thank you, sir. Thanks for having me here. और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। बहुत एक्साइटिंग मंथ है, होली मंथ है, तो आई होप कि हमारी ट्रांसमिशन भी आपको आप इंजॉय कर रहे हो। और जी स्ट्रेट तो हाँ जी सर, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो सिंस ही इज हियर, वी गोना आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट हिज लाइफ एंड एक्चुअली लेट मी पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। He is from Pakistan and my other guest is from India. So we're going to ask you some questions about your life back home. Sure. And, you know, and how was this month for you and how did you celebrate this with your friends and family? I think overall, like all the Muslims all over the world, they celebrate in the same way. Ye bahut hi holy aur bahut hi important month hai hamare liye. And all the Muslims all over the world, they pura saal wait karte hain. एंड वन ये बड़ा करीब होता है तो लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, तो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। वो तो ये है कि ओवरऑल रमज़ान जो है वो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आता है। ये आपको टीच करता है कि किस तरह से आपने अपने आप को जो है अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी जो नफ्स है उसको कंट्रोल करना है, या आप किस तरह से जो है वो एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको सारी, जब आप रोज़ा रखते हो, फास्ट करते हो, तो आपको झूठ नहीं बोलना होता है। ऑफ कोर्स आप खाना नहीं खा रहे हैं या पानी नहीं पी रहे हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ योर क्लेंजिंग है ना, पूरा प्रोसेस है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि वो और आप अपनी जो वर्शिप है, इबादत है, नमाज है, वो आप पढ़ रहे होते हैं। कुरान जो है वो होली बुक है हम मुस्लिम्स के लिए, तो उसमें यह है कि उस किताब को आप पढ़ते हो। और अगर आपको आम पूरे साल पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर पूरे साल टाइम नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट आपको रमज़ान में ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए। उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें ये होता है कि अगर आप उसको समझ के पढ़ते हो, इफ़ यू रीड द ट्रांसलेशन, कि आप इंग्लिश में पढ़ो या आप जो है वो अपनी जो भी लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी, उर्दू, जो भी आपको आती है, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप हैं और वहाँ की लैंग्वेज में पढ़ो, तो और अच्छी बात है कि आपको इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर समझ में आती हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है रमज़ान जो है वो पूरी दुनिया में एक ही तरह से मनाया जाता है। एक ही तरह से जो है वहाँ पर हम अपना जो है वो फास्ट स्टार्ट करते हैं। डॉन से पहले आपको अपना सब कुछ खाना पीना फिनिश करना होता है, उसके बाद फिर आप प्रेयर करते हो और फिर पूरा आप दिन रहते हो। फिर जब डस्क का टाइम होता है, मगरिब का जैसे वक्त कहते हैं, उस वक्त फिर आप जो है उसे करते हो। तो ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो मेरे ख्याल में हर जगह, मोहसिन भी अग्री करेंगे। तो अगर वो जो है कि इसी तरह से होता है, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन पूछने का आपको मकसद एक ही था कि बंदे कहीं के भी हो, लोग कहीं के भी हो, उनका बेसिक प्रिंसिपल रिलीजन का या लाइफ का एक ही होता है। एंड आई थिंक पर्सनली थिंक दैट बाउंड्रीज आर जस्ट मैन मेड। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कैनेडा एज कैनेडियन हम लोग जो है मल्टी कल्चरल उसमें रहते हैं, तो उसमें अच्छी बात यह है कि पीपल आर फ्राम डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट यू नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर हम बात करते हैं रमज़ान के हवाले से कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है ऑफ कनाडा, वो लोग किस तरह से डिफरेंट तरह के लोग हैं। ईरान से भी लोग आए हुए हैं और अरब कंट्री से, मिडल ईस्ट से लोग आए हुए हैं, हम लोगों की तरह साउथ ईस्ट एशिया से लोग आए हुए हैं। तो बेसिकली जो रिलीजियस जो ऑब्लिगेशन है
it remains the same. Sirf cultural cheezein thodi si badal jati hain. To hum log bhi brings in color, right? Haan, I mean, aur hum chunke ek South Asian channel pe baithe hue hain, digital TV pe baithe hue hain, to hum jo hai baat karte hain ki jis tarah Mohsin jo hai wo grow up kiya apne sara India mein, aap wahan par rahe, jo ki ek aam wo hai ki bhai ek wo Hindu state hai, alag secular state hai na, to aapka aur hamara jo hai koi khaas fark hoga nahi. क्योंकि ये हो सकता है कि आप जिस भी जगह पर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें हो सकता है कि आपका खाने का कुछ डिफरेंट हो. हाँ, अगर आप साउथ में हैं तो साउथ इंडियन खाने हो, खाने पीने की चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है रमज़ानों में. लोग जो है वेट करते हैं कि जब रमज़ान आएंगे तो हम पकौड़े खाएंगे, हम समोसे खाएंगे. दूसरा क्वेश्चन वही था आपके खाने के एंगल से, लेकिन आपने वो आंसर कर ही दिया है, तो हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं. Sure, let's do that. मुझे पता है आप जो लर्न नाउ विद सैल का शो करते हैं उसमें एजुकेशन बेस्ड है शो, राइट? करियर बेस्ड शो है. तो आपके जहन में कोई ऐसी किताबें हैं जो लोग पढ़ सकते हैं टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर नॉट रमजान एज सच, बट टू ब्रिंग मोर एनलाइटनमेंट इनटू देमसेल्व्स और टू एलिवेट देयर. Well, I would say, being a Muslim, I would strongly recommend कि दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जो एज अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ वो कुरान है. अगर आप कुरान को उसकी मीनिंग्स के साथ, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हो तो नथिंग लाइक इट. आपको किसी और मजीद किताब की, किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर समझ के पढ़ा जाए तो उसमें सारी अच्छी बातें, और आप खुद भी शायद कुछ जगहों पर ऐसे हैरान रह जाएंगे कि आप इतने अरसे से मुसलमान हैं और आपने कभी गौर नहीं किया कि ये भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है. तो लाइक एनी अदर रिलीजन, इस्लाम भी आपको अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी चीज़ें सिखाता है. इसका फ़र्क ये होता है कल्चरली, जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो कल्चरली ये हो जाता है कि आप कुछ आपकी आप उसको समझते दूसरे तरह से हैं और प्रैक्टिस उस तरह से कर देते हैं, वरना बेसिक सब चीज़ें वही हैं. तो मैं तो ये कहूँगा एनलाइटमेंट के लिए कुरान जो है वो रमज़ान में सबसे बेस्ट चीज़ है. आपको किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है, और जितना कुछ आप लर्न इससे कर सकते हैं कहीं से नहीं कर सकते. और कुरान की जो है वो आयत है इकरा बेस्मी रब, क्या है आगे, इकरा बेस्मी रब. हाँ, तो उसमें उसका मतलब ये बनता है कि वो जो है कि पढ़ो. और कुरान में इस बात को इनक्रेज किया गया है कि आप पढ़ें, लर्न करें, सोचें इन चीज़ों के ऊपर. बड़े फिलासफिकल चीज़ें हैं और बड़ी आपकी लाइफ चेंजिंग उसमें बातें हैं. तो लर्न नाउ के हवाले से अगर मैं उसको रिलेट करना चाहूँ तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि कुरान में तो कहा गया है कि आप इकरा करो, पढ़ो और पढ़ें, लोगों को भी पढ़ाएं. बिल्कुल. और जैसे आपने बोला कि हम झूठ नहीं बोलते ड्यूरिंग दिस मंथ, आई थिंक इट शुड बी स्ट्रेच मोर देन अ मंथ टू योर लाइफ एक्चुअली. तो यार दैट्स अ होल आईडिया, बेसिक प्रिंसिपल, एब्सोल्युटली स्ट्रेट, दैट्स अ होल आईडिया, दैट्स अ होल. देखो आप कोई भी रिलीजन देखोगे ना, अगर उसमें अच्छी बातें बताई हुई हैं सारी, और वो सिर्फ ये नहीं होती कि कोई खास वक्त के लिए. आप जिस तरह पर रमज़ान की बात करें, रमज़ान इज़ एक्चुअली रिफ्रेशर, एक कोर्स की तरह आता है, एक महीने साल में एक महीने, और उसका असर भी रहता है. ऐसा नहीं है एकदम से आप वापस नहीं वैसे बन जाते हो. आपको थोड़ा टाइम रहता है कि आप कंट्रोल कर रहे होते हो खाते पीते बोलते हुए, है ना, बैड वर्ड्स नहीं बोलते. आप झूठ के बारे में सोचते हो कि यार ये मैंने किया कि नहीं किया. आप टीवी देख रहे होते हो तो आप सोचते हो कि आपको ये चीज़ देखनी है नहीं देखनी. तो ये सारी चीज़ें उसका असर रहता है थोड़ी देर, लेकिन उसका असर जो है जैसे आपने कहा बिल्कुल राइटफुली कहा कि पूरा साल रहना चाहिए. वेरी गुड. और मूविंग ऑन, हम लोग अभी जाएंगे रसोई की तरफ, देखते हैं क्या पका रहे हैं उधर. अजय साहब हैं उधर, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त और जबरदस्त है. लेट्स सी. मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हूँ. आई रियली वांट टू चेक इट आउट कि क्या हो रहा है. वक्त ही बहुत स्पेशल होता है, स्पेशल वक्त है. अभी टाइम होने वाला है तो प्रोबब्ली ही इज ऑलमोस्ट रेडी विद हिज स्टफ. सो लेट्स गो टू द किचन एंड सी व्हाट इज डूइंग. थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग विद अस एंड लेट्स गो चेक इट आउट. Thank you. Ramzan Mubarak Canada, only on NJ Digital TV, presented by Khalis Pakwan Basmati Rice. अब की बार रमजान में बरकतों के साथ साथ समेटे मोहब्बतों भरे तहाए खालिस पकवान के साथ. जी हाँ, खालिस पकवान बासमती राइस या खालिस पकवान एक्सट्रीम राइस के एक बैग के साथ हासिल करें फ्री एलईडी तस्बीह और इफ्तार के लिए खजूरों की सौगात. खालिस पकवान के साथ दुनिया का माना हुआ पाकिस्तानी बासमती राइस अब जीटीए भर में आपके करीबी ग्रोसरी स्टोर्स पर. खालिस पकवान बासमती राइस पुलाव या दाल चावल के लिए और खालिस एक्सट्रीम बिरयानी के लिए बेहतरीन इंतखाब. Are you looking for someone who can turn your dreams into reality? Whether it's real estate buying, selling or investment,
Wasiuddin is the first choice of clients because no client or project is big or small for him. With years of experience, Wasi also offering exclusive deals on pre-construction projects and helping hundreds of clients to make their dream come true. So call Wasi at 416-566-3642 or log on to homesbywasi.com. Ramzan Mubarak Canada, only on NJ Digital TV, presented by Khalis Pakwan Basmati Rice. Salam, Namaste, Sasrikal, Dosto. Main Ajay Gupta, NJ Digital TV ke karyakram Taste in Videsh ka host. Aaj aapko leke aaya hoon hamare Ramzan Special mein. Jaisa ki aapko pata hai, Ramzan Special mein hum har din ek naya swad leke aa rahe hain aapke paas. Har din ek nayi dish leke aa rahe hain aapke paas. To aaj ek aur dish lekar aaye hain aapke paas. और उसके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही अच्छी कुक. वो बहुत बेहतरीन खाना बनाती हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और खाने की सुंदरता भी उनकी बहुत अच्छी है. मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपनी आज की मेहमान से. तो दोस्तों, मेरी आज की गेस्ट हैं फाकिया शरीफ, वो मेरे साथ हैं. ये पेशे से एस्थेटिशियन हैं, लोगों को सुंदर बनाने का काम करती हैं, लेकिन खाना बेहतरीन, सुंदर और स्वादिष्ट बनाती हैं. फाकिया, आपका स्वागत है. अस्सलाम वालेकुम, मैं फाकिया शरीफ और एनजे डिजिटल टीवी के लिए आज मैं रमज़ान स्पेशल शो करने आई हूँ. मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी डिश बनाना बताऊंगी, हैदराबादी लुखमी. ओ वाओ. और फाकिया, आपको मालूम है हमारा ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है पकवान की तरफ से, सो ये एक पकवान का एप्रन आपको पहन के काम करना होगा आपके ड्रेसेस के साथ. और उसके बाद हम आपसे पूछेंगे ये डिश क्या होती है और कैसे बनती है. जी. तो फाकिया, आप जो आज बनाने वाली हैं लुकमी, ये होता क्या है? ये एक हैदराबादी डिश है. अच्छा. जैसे कि मिंस्ड मीट खीमा लेके हम कबाब बनाएंगे पहले. हाँ. फिर एक डो बनाकर उसमें फिलिंग करके फिर उसको फ्राई करेंगे. अरे वाह. तो अगर मैं इसको मैच करूँ तो एक नॉर्थ इंडिया की डिश होती है जो गुंजिया बनती है वहाँ पे होली. जी, 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 वैसे ओके, ही पैटीज की तरह. तो इसमें आप लोग क्या क्या डालते हैं? आप बड़े सारे मसाले लेके आई है, जरा मुझे बताएंगे. जी जी, ये है धनिया पाउडर. मैं 1 pound मिंस्ड मीट के लिए 2 tablespoons धनिया पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 teaspoon हल्दी, 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 2 teaspoon लाल मिर्च एंड ये एनी कबाब मसाला है. आप लोग कोई भी कबाब मसाला ले सकते हैं. और ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें, इसे कबाब चीनी कहते हैं. ये कुछ लॉन्ग जैसा होता है, कबाब चीनी कहते हैं. ये जरूर पड़ेगा. इसका पाउडर बना के 2 teaspoons हम लेंगे. अच्छा. और ये बेसन है, बेसन भी 2 tablespoons लेंगे एंड गरम मसाला 1 teaspoon, फ्राइड ऑनियंस हम इसको ग्राइंड कर लेंगे. फ्राइड ऑनियंस ये आपको पैक भी मिल जाते हैं. जी, ये ग्राइंड करके हम उसका ग्राइंड करके यूज करेंगे. और 20 to 25 कैशू नट्स हम इसको भी ग्राइंड कर लेंगे. और 1 cup दही. ओके. प्लेन दही है? प्लेन दही. ओके. एंड कोरिएंडर, कोथमीर एंड हरी मिर्च हम इसको भी ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे. तो मतलब सारी चीजें वो हैं जो हम डे बाय डे अपने खाने में यूज करते हैं, सिर्फ एक ये आपका कबाब चीनी. कबाब चीनी. तो अब की बार आप जब बाजार जाएं तो कबाब चीनी लाकर रखें, क्योंकि आपको घर में ये डिश बनानी है. जी, आगे चलें. और अगर किसी को कैशू नट्स यूज नहीं करना है तो वो लोग थिक क्रीम यूज कर सकते हैं इसके लिए. अच्छा, उसका बैकअप भी है. ये बहुत अच्छी चीज है, ये टेक्सचर देने के लिए है कबाब में सिर्फ. तो हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स 1 pound मिंस्ड मीट में, खीमा में मिक्स कर लेंगे. अच्छा. और जब हम खीमा लेंगे तो हमें मेक श्योर ये करना है कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे. हम पूरा पानी, मतलब उसको एक छन्नी में डाल के एक 10 to 15 minutes जितना ज्यादा ड्राई हो सके, क्योंकि आपको सिकाई करने में भी आसानी रहेगी. तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप कीमा गीला रह जाए या उसमें पानी हो तो वो लबलबा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं, या वो बहने लगता है, तो आपको ड्राई कीमा लेना है. चलिए हम आगे चलते हैं इसकी अगली स्टेप पे. आप इसमें क्या क्या करने वाली हैं? जी, हम आपका बाकी सामान मंगवाते हैं. सुफा, क्या आप ये कबाब का बैटर तैयार कर रही हैं? हाँ जी, मैं ये कबाब के लिए कीमे में सारे ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके जी इसका कबाब रेडी कर लूंगी. ओके. So, ये जैसे आपने पाउंड के हिसाब से बताया था जो आपने... जी, 1 pound के हिसाब से मैंने आपको मेजरमेंट्स सारी बता दी हैं कि कितना क्या डालना है. जी.
सो इसको आप इसमें मिलाने के बाद किसी मैनुअली करेंगी या कोई आपको किसी मशीन की जरूरत पड़ती है? नहीं नहीं, ये मैनुअली आप हैंड से भी कर सकते हैं। तो इसको इसका मतलब आपको कोई खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आप घर में जैसे खाना बनाते हैं या बनाती हैं उसी तरीके से आप ये हम इस स्टेज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कीमे का बैटर तैयार हो रहा है, तो ये फाइनल शेप में आपका कैसे आएगा? जी जैसे कि ये सारा मैंने पहले से मिक्स करके रखा था तो ये मेरा ऑलरेडी रेडी है। अच्छा, तो ये आपका कीमे का बैटर तैयार हो। जी जी, तो हम इसको एक बेकिंग डिश में डाल देंगे जी। डाल के हम इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल मिक्स करेंगे जी। तो ये हम इसको बेस बना रहे हैं एक बेकिंग ट्रे में। जी ये बेकिंग में जाएगा। ये लुकमी का कबाब है। ओके, तो और ये जैसे हम दूसरे कबाब खाते हैं गोल वाले या सीख वाले, वो जरूरत नहीं है, ये लुकमी का, ये लुकमी का कबाब है ये। ठीक है, हम आपको इसके लिए आगे चलते हैं। इसमें हम लोग ऑयल मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको बेक करेंगे। इसको आप ऊपर से मिक्स करेंगे या अभी आप दोबारा से मिलाने वाले हैं? या इसको हमें मिक्स करना होगा थोड़ा, जैसे कि ये अंदर चला जाए जी। इसमें ज्यादा ऑयल नहीं लगता क्योंकि ये बेक होगा। तो जब तक हम इस डिश को बेकिंग के लिए भेजते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एनजे डिजिटल टीवी के रमजान स्पेशल के इस कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे, तब तक हम इस डिश को बेक करने की तैयारी करते हैं और बेक कैसे करना है, क्या करना है, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात करें। स्टे ट्यून। रमजान मुबारक कनाडा, ओनली ऑन एनजे डिजिटल टीवी, प्रेजेंटेड बाय खालिस पकवान बासमती राइस। अब की बार रमजान में बरकतों के साथ साथ समेटे मोहब्बतों भरे तहाइफ खालिस पकवान के साथ। जी हाँ, खालिस पकवान बासमती राइस या खालिस पकवान एक्सट्रीम राइस के एक बैग के साथ हासिल करें फ्री LED तस्बीह और इफ्तार के लिए खजूरों की सौगात। खालिस पकवान के साथ दुनिया का माना हुआ पाकिस्तानी बासमती राइस, अब GTA भर में आपके करीबी ग्रोसरी स्टोर्स पर। खालिस पकवान बासमती राइस पुलाव या दाल चावल के लिए और खालिस एक्सट्रीम बिरयानी के लिए बेहतरीन इंतखाब। An exclusive multi-designer studio specialized in wedding planning services, bridal wear, casual party wear, jewelry, shoes, purses, dupattas, men's and kids' clothes. You name it, we have it. Some of the Pakistani designer labels we carry are Zani K, Agha Noor, Sana Safinaz, Anas Abrar, Zainab Chutani, Wahaj Khan, Fatma Khan and many more. Parahan, sheer elegance. We believe in quality service and best price. You can contact 9075 Derry Road West, Unit No. 1, Milton, Ontario. Fun, food and entertainment. Mississauga Halal Food Festival 2018 on Saturday, June 16th and Sunday, June 17th at Mississauga Celebration Square. Live performance by Shahzad Roy. Also featuring Adnan Siddiqui, Harim Farooq, Usman Khalid, Imran Kazmi, Amir Saleem and Farhan Shah. Also featuring Sufi Virling. Lots of kids entertainment. For sponsorship, call Amir Shamsi 416-662-7861. For booth booking, call Adnan Shamsi at 416-788-7009 or Atif Shamsi at 416-432-2000. बांध करते खड़ा है दस से मस नहीं होता, तू है एक आम आदमी यार बस अब नहीं होता। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं लगा रहे। रमजान मुबारक कनाडा, ओनली ऑन एनजे डिजिटल टीवी, प्रेजेंटेड बाय खालिस पकवान बासमती राइस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक फॉर एनजे टीवी रमजान स्पेशल फूड सेगमेंट। मैं अजय गुप्ता और मेरे साथ आज की हमारी गेस्ट हैं फाकिया शरीफ
और फकीर जी आप मुझे बता रही थी कि आप वो कबाब का बैटर तैयार किया जी, उसका क्या किया आपने? मैंने उसको ओवन में रख दिया है 350 फ़ारेनहाइट पे और वो 45 मिनट्स के लिए बेक होगा। 45 मिनट जी, उसका खुद ही छूटेगा अपना पानी, दही का जो पानी होता है वो उसी में वो गल के वो कबाब रेडी हो जाएंगे। हमें बिल्कुल ड्राई बनाने हैं। ओके, तो आप ब्रेक पे जाने से पहले उसको रख जी मैंने अंदर रख दिया। अब मैं अपना डो तैयार कर लूंगी। इसके लिए हमें चाहिए है सॉल्ट 3 कप्स ऑल पर्पज फ्लावर में हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, या नॉर्मल सॉल्ट, एंड हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ये बटर है, बटर है। ओके, एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ बटर और नो नो सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं आप। ओके, दैट्स गुड। और हम इसको नीट कर लेंगे। सो इसमें कुछ लिक्विड भी आपको डालना पड़ेगा? जी जी, हम इसके लिए वार्म मिल्क यूज करेंगे। संभाल के कीजिएगा गरम। या देखिए मैं बता रहा हूँ एक कुक को कि ये गर्म होगा या ठंडा होगा, आदत से मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास जो हमारे साथ कुक आते हैं उनके साथ बात करते करते हम भी खानसामा नहीं खानसामा के नौकर जैसे तो हो गए हैं। और इसी तरीके से आप बाकी शो में भी हमारे साथ देखते हैं कि हम कुक से बात करते हैं, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आज एक और नई डिश सीख रहा हूँ, कल एक और सीखी थी और कल फिर एक और। जी, तो ये डो बनने में आपको कितना टाइम लगता है? ये डो बस 5 मिनट में बन जाएगा। अच्छा, ये भी आप मैन्युअली कर रहे हैं, हाथ से होना है, इसमें भी कोई मशीन या मिक्सर की जरूरत नहीं है? आप चाहे तो बना सकते हैं, सिर्फ मशीन में भी हैंड से भी। तो आप देख रहे हैं ये डिश बनाने में आपको कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं है। आपके घर में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स, आपके घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, वही दूध, वही दही और वही मक्खन, ऑल पर्पज आटा, और वो जैसे आप बाकी आटा रोजाना मलते हैं खाना चपाती बनाने के लिए उसी तरीके का कुछ काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जैसे गुंजिया का कवर बनाते हैं ऐसा ही कुछ ये आपके लुक में कवर बनने वाला है। ओके, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। इसको जैसे किसी पेड़ी की शेप में या इसका डो जो बनता है जैसे हम लोग अगर पिज्जा का डो बनाते हैं उसी तरीके का कुछ बनता है? जी जी जी। ओ, अब मैं समझ सकता हूँ। तो आप इसका डो जो बनेगा फाइनल वो आप दिखा सकती हैं हमारे दर्शकों को कि वो क्या हाँ जी किस तरीके का डो आएगा, वो फाइनल स्टफ आप दिखाएं क्योंकि इसमें फिर 15 मिनट लगेगा हमारे पास जी, उधर कबाब भी पकने वाले हैं और ये भी जैसे कि जब ये रेडी हो जाएगा तो इसका डो कुछ ऐसा हमने रेडी कर लिया था। अच्छा, तो हम इसका अभी बेल के रेडी कर लेते हैं। अच्छा, इसको बेलने के लिए कोई खास आपको अच्छा नॉर्मल बेलन आपको? जी जी जी। बहुत अच्छा, अब बेलन इस तरीके से उठा रहे हैं मुझे तो डर भी लग रहा है। तो आप देख रहे हैं लुक्मी कबाब बनना जो एक हैदराबादी डिश है और मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ नॉर्थ इंडिया की गुंजिया से और चाइनीज फूड वॉन्टॉन से क्योंकि वो भी एक पैक ही होता है, उसके अंदर भी कुछ फिलिंग होती है, अलग अलग फिलिंग के हिसाब से बनने वाली अलग अलग डिश, अलग अलग नाम और अलग अलग टेस्ट, और बनाने वाले हम और आप जैसे लोग जो इसको एक एक्सपर्टीज बनाए जा रहे हैं। अच्छा, सो ये आपका उस डो की जो गुंजिया है उसका रैपिंग तैयार हो गया। जी जी कवर लगता है कि उधर हमारा कबाब भी तैयार हो गया जी, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा जी। आपका कबाब इधर है, अब आप इसको क्या करने वाली हैं? अब हम इसके लुखमी के लिए हम ये रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप शेप काट रही हैं कोई स्पेसिफिक? या मैं स्क्वायर बना रही हूँ, आप लोग आपको जो चाहे वो बनाएं। अच्छा, तो उसमें भरने के बाद हम उसको क्या बेक करने वाले हैं? ये मुझे दीजिए, मैं इसके जगह पहुंचा देता हूं। हम उसको बेक करने वाले हैं या फ्राई करने वाले हैं? हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करेंगे। आपको फिलिंग के लिए स्पून चाहिए तो उधर है। जी, अब जैसे कि ये बन गई है तो
सो आप इसके अंदर फिलिंग करनी पड़ेगी, आपको स्पून चाहिएगा ये लीजिए, मैंने आपको बोला खान सामे का सपोर्टिंग तो मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। तो हम इसका थोड़ा सा लेके इसकी अच्छा। फिलिंग कर लेंगे जी। दोस्तों आप देख रहे हैं इसकी फिलिंग कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से गुंजिया बनाते हैं, कबाब बनाते हैं या चना मटर कचौड़ी बनाते हैं जैसे उसमें फिलिंग करते हैं, उसी तरीके की फिलिंग यहाँ पे हो रही है। लेकिन इसका फाइनल आउटपुट कैसा निकलने वाला है वो मैं भी अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट निकलने वाला है, क्योंकि खुशबुएं मुझे बता रही हैं, आप खुशबू नहीं ले सकते लेकिन खुशबुएं मुझे बता रही हैं कि बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट निकलने वाला है। जी हाँ, ये आपने इसको हम इसको पानी से इसके एंड्स पे पानी लगा ले जी। जी हम इसके एंड्स पे पानी लगा लेंगे। अच्छा, चिपकाने के लिए। जी जी बहुत अच्छा। और इसको टाइट से, जैसे कि फ्राई करते वक्त ये खुले ना, खुले ना इसको। अगर आप चाहते हैं कोई और आपके पास इस तरीके का इक्विपमेंट है जो इसको शेप दे के बंद कर सकता है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो एक कुक की खासियत होती है, उसको पता है कहाँ पर कितना दबाना है और कब तक दबाना है, उन्होंने वो उतना दबाया, पानी लगाया और उसको सील कर दिया। तो ये शेप स्क्वायर भी बना सकते हैं, एनी शेप आपको अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग शेप बनानी है तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग शेप बनाए ताकि उनके बीच में लड़ाई ना हो। मुझे पता है इस शूटिंग के बाद आज हमारे स्टूडियो में तो लड़ाइयाँ होने वाली हैं, जो खुशबुएं आ रही हैं ये बाहर तक जा रही हैं और भीड़ बार बार आ रही है। तो ये आपका तैयार हो गया इसकी लुकमी कबाब की बेस जी। अब आपको इसको फ्राई करना होगा जी, तो हम आपके लिए फ्राई का इंतजाम करते हैं। सो फाकिया जी, मुझे लग रहा है जो आपने तेल चढ़ाया है कढ़ाई में, ये गरम हो रहा है जी जी, तो आप इसको फ्राई करेंगे जी। इसको हम फ्राई कर लेंगे, लो टू मीडियम हीट रखनी है हमें, ज्यादा नहीं रखनी इसमें जी। ओके, और ये स्लोली फ्राई होता रहेगा, कुछ दो चार मिनट लगेगा जी। इसमें आपको तकरीबन एक 10 to 15 minutes। और चलिए तो इसको पकने दीजिए। फिर आप मुझे कुछ बता रही थी कि आप ये लुक में इंस्टेंट तरीके से भी बनाती हैं जी। जी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ जी। जैसे कि ये वाली है जी, हम ऐसा इंस्टेंट पेस्ट्री पफ जो बाजार में मिलता है, हम अच्छा, रेडी पफ का जो जी, जी, मिलता है, या वो लेके आके उसमें भी ये फिलिंग डाल के हम ये रेडी कर सकते हैं पेस्ट्री पफ में। और ये मुझे लग रहा है कि बेक है, फ्राइड नहीं है। ये बेक्ड है, ये फ्राइड है। ओके, तो मेरे जैसा आदमी जो कम घी खाना चाहे उसके लिए अच्छा है जी। जी बेहतरीन, इसमें तो ज्यादा घी होता है, वैसे तो ये पेस्ट्री है मगर पे भी बेक है। एक वो है ना, एक मन का वहम होता है कि ये बेक है और ये फ्राइड है जी। जी तो ये फ्राइड हो रहा है दोस्तों, ये बन रही है फ्राइड लुकमी, वो आपको मिली इंस्टेंट बेक लुकमी। और इसका टेस्ट हम आपको दोबारा बताएंगे थोड़ी देर बाद, तब तक ये पकने दीजिए। सो इस तरीके से फ्राई करके आप इस लुकमी को निकालेंगी, और जो आपने पहला लॉट एक बनाया था वो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं किस तरीके का दिखता है। ये मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। तो ये फ्राइड वाला लुकमी है, ये बेक वाला लुकमी है, ये इसकी फिलिंग है, ये इसके मसाले हैं, ये कबाब है, आप इसी के साथ इसी इसको खाएंगे। मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। मैं आपको तब तक आप सर्व करेंगे, एक बार शॉर्टकट में लोगों को रिवाइंड करा दें कि ये वो मसाले हैं जो आपके घरों में अवेलेबल है, हल्दी है, जीरा है, मिर्ची है, कबाब पाउडर है, काजू है, नमक है, और इसके आपने मिंट कोरिएंडर एंड चिली के साथ आपने कीमा लेकर उसको ड्राई करके बेक कबाब बनाए। बेक कबाब बनाने के बाद इसको खाया भी कबाब के साथ ही जाता है। मैं आपको सर्व करके जी जी जी। तो ये आप जैसे हम बता रहे थे, ये आप बता रही थी कि मुझे इस लुकमी को कबाब के साथ ही खाना है जी। जी जी okay. हम पहले इसको थोड़ा सा धनिया और ऑनियंस के साथ गार्निशिंग कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जी हाँ। तो आप बता रही थी कि इसकी सर्विंग भी एक अलग तरीके से की जाती है जी। जी आप मैं इसमें ये डाल देती हूं। अच्छा, ये हमारी नॉर्मल ऑनियन, अच्छे से लच्छेदार कटी हुई प्याज, हरी चटनी,
बेहतरीन। धनिया, मिर्च, देखिए क्या एक नेचुरल फ्लेवर और इसकी गार्निशिंग हो रही है। मैंने आपको बोला था ना, वो लोगों को खूबसूरत बनाती हैं लेकिन खाना स्वादिष्ट और खूबसूरत दोनों बनाती हैं। चलें, आपको प्लेट चाहिएगी, लीजिए। इसको सर्व भी कबाब के साथ करते हैं। अच्छा, बेहतरीन, वाओ। सो दोस्तों, ये है लुकमी कबाब और ये फ्राइड वाला मैं खा रहा हूँ, टेस्टी है। और इसके साथ हमने बेक वाला भी देखा, सामान आपने देखा, आज की डिश इतनी खूबसूरत और इतनी स्वादिष्ट, मैं तो इसमें खाने में बिजी होने वाला हूँ। आप इंतज़ार कीजिए हमारी अगली डिश का कल तक। फाकिया जी, आपसे मुलाकात फिर होती रहेगी अगले को प्रोग्राम के लिए, अगली डिश के लिए हम आपका फिर से इंतज़ार करेंगे एनजे डिजिटल टीवी के रमजान स्पेशल डेली प्रोग्राम ऑन फूड में। मैं अजय गुप्ता, जो कि टेस्ट इन विदेश भी करते हैं, आपका देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ और कल आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, सेम टाइम सेम चैनल पर हम फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ। थैंक यू, सी। रमजान मुबारक कनाडा, ओनली ऑन एनजे डिजिटल टीवी, प्रेजेंटेड बाय खालिस पकवान बासमती राइस। अब की बार रमजान में बरकतों के साथ साथ समेटे मोहब्बतों भरे तहाइफ खालिस पकवान के साथ। जी हाँ, खालिस पकवान बासमती राइस या खालिस पकवान एक्सट्रीम राइस के एक बैग के साथ हासिल करें फ्री एलईडी तस्बीह और इफ्तार के लिए खजूरों की सौगात। खालिस पकवान के साथ दुनिया का माना हुआ पाकिस्तानी बासमती राइस, अब जीटीए भर में आपके करीबी ग्रोसरी स्टोर्स पर। खालिस पकवान बासमती राइस पुलाव या दाल चावल के लिए और खालिस एक्सट्रीम बिरयानी के लिए बेहतरीन इंतखाब। This is the world of internet. You have everything on your computer and mobile screen. If you wish to promote your business through internet, specially to perfect target market, then you have just one reliable name, NJ Marketing, offering various marketing solutions like social media marketing, telemarketing, email marketing, search engine optimization, graphic designing, web designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca. $60, ma'am. जब इश्क हद से बढ़ जाए तो तमाम ख्वाहिशें मिलकर सिर्फ एक ख्वाहिश बन जाती हैं। और बेचैन दिल हर पल हर लम्हा रोता है, दीदार को तरसता है। हेलो जी, सलाम अलैकुम जी। मैम, आपके उम्र के कागजात वगैरह तैयार हैं, प्लीज पेमेंट करके ले जाएं। ओके, थैंक यू। और यही मोमिन का दिल अगर किसी की आंख में आंसू देखे तो सब कुछ भुलाकर सिर्फ अदा करता है।
کے بلاوے کے لیے کچھ زیادہ نہیں چاہیے، نیک نیت اور رحم دل ہی کافی ہے، باقی ہم پر چھوڑ دیں۔ البرکہ ٹریول، نہایت مناسب عمرہ پیکجز کے ساتھ۔ 905-232-6566 Ramzan Mubarak Canada, only on NJ Digital TV, presented by Khalis Pakwan Basmati Rice. Welcome back, friends. Oh, that was so good. I really loved the presentation and the taste, and it was amazing. Bahut hi jitna khoobsurat khana lag raha hai aur jitni achhi khushboo aa rahi thi. Aur Ajay ji jis pyar se matlab usko present banate hain, Ajay ji is the best. Actually, wo khano ke mamle mein ha bilkul unka show bhi is doing really well. Taste in Videsh by अजय गुप्ता या और वो रेस्टोरेंट्स के बारे में होता है और फूड के बारे में होता है। तो अभी जो है वो अजय साहब बहुत ही मज़े मज़े के खाने बनवा रहे हैं हमारे लिए, और अब अफ्तारी का वक्त जो है वो ब्रेकफास्ट के वक्त होता जा रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मोहसिन, कैसा लगा आपको किचन में जाके? देखिए बहुत अच्छा था वैसे, और मैंने जैसे बताया इफ्तारी का वक्त बहुत ही स्पेशल वक्त होता है, और इफ्तारी करने का भी एक और मज़ा होता है। बिल्कुल हाँ, बैक होम में मैंने बताया जब इफ्तारी करते हैं, जिन्हें रोज़ा रखा है, बच्चे जो रोज़ा नहीं जिनको रखना होता है, वो भी हम लोग साथ में बैठ जाते हैं और सब लोग वेट करते हैं कि इफ्तारी का टाइम कब होता है। तो इफ्तारी की मजा ही कुछ और है, बहुत स्पेशल होता है, स्पेशल उसकी बहुत ही स्पेशल है। और ब्लेसिंग्स भी होती हैं, अजय जी जैसे होस्ट हैं वो खुद भी बहुत अच्छे कुक हैं, राइट? ही डिड अ रियली गुड जॉब आई मस्ट से, एंड थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग विद अस, एंड दिस इज आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर रमादान। यू विल वॉच दिस शो फॉर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमादान, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, so it's going to go on for a long time. And thank you, and Sal, would you like to add something here? Yeah, sure. So ye show hamari transmission specially aap logon ke liye banayi gayi hai, aur ye pure ramzan ke liye hai, aur isme aap different hamare different shows ke host ko dekhenge, unse baat unki baatein sunenge. Uske alawa hum ye karenge ki hum apne shows mein scholars ko bhi leke aayenge, Islamic scholars ko, hum aapko isme naat bhi suna rahe hain, isme hum aapko hum bhi sunwa rahe hain, aur bahut achhi achhi baatein bhi aapko share karte rahenge. Agar aap chahte hain koi sawal puchna chahte hain kisi khaas mauzu ke bare mein, hum log to sirf jo hai wo aapko ek zariya ban sakte hain, aur hum koshish karenge ki unke jawab aapko dilwa saken. To isi tarah hi transmission dekhte rahiye NJ Digital TV ke upar, aur har roz hum jo hai wo iftar se 1 ghante pehle hamari transmission hoti hai. Ye special transmission hai ramadan ki, aur ye sirf aur sirf khaas taur pe aap logon ke liye hai, to please don't miss it. Aur agar aap jo hai isko baad mein dekhna chahte hain, to yakeenan hamare social media channels pe bhi aap dekh sakte hain. Agar koi aisa sawal hai, koi bhi aisa aapko islamic issue hai, to hum nahi lekin hamare program mein jab bhi koi special guest aayenge aur hamare jo hai koi islamic scholar aayenge, to hum definitely unse wo sawal pooch sakte hain aapke liye. कोई भी ऐसा लोकल क्वेश्चन जो आपके पास है कनेडियन परस्पेक्टिव में यहाँ के माहौल के हिसाब से, तो ज़रूर हमसे पूछिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन सेट फॉर इनवाइटिंग मी ओवर टू योर ट्रांसमिशन, और मोहसिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, द मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. तो द मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ओके, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ, हैव अ हैप्पी वीकेंड. And wish you good luck, health and happiness. Ramzan Mubarak Canada, only on NJ Digital TV, presented by Khalis Pakwan Basmati Rice. Noorani raat hai.